नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रय मानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुत्कणेभ्य नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्माद् परस्माच्च परः तं प्रपत्ते स्वयं ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो माद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरञ्च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तंत्रोटिकं वार्षिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततं आनतोऽस्मि श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संतति स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मृतीणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम् विदुः ओंकारस्याथ शब्दस्य दोहितौ ब्रह्मणा पुरा कंठं हित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ भूतौ ओं तत्सत् परब्रह्मणे नमः श्रीराम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव असुर शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुरात्मन मूर्तम पुरुषोत्तम परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु से छूट कर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अतः भगवान का ज्ञान परम आवश्यक है। तो भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है। तो अथवा भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता है। वेद विस्तार से है और गीता संक्षेप में सार रूप में उस ब्रह्म तत्व को बताती है। इतना ही भेद है। वेद के और गीता के वक्ता एकमात्र भगवान ही है। विष्णु रूप चतुर्भुज रूप धार कर वेद का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया था। यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै। सृष्टि के आदि में भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को देखा कि ये शोक मोह से युक्त है, दुखी है। तो ब्रह्मा जी को शोक मोह से युक्त देखकर भगवान ने वेद का उपदेश दिया। परंतु निर्गुण निराकार स्वरूप से उपदेश बनता नहीं है, इसलिए सगुण साकार रूप धार कर उपदेश दिया। सगुण साकार में देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब कुछ होते हैं। निर्गुण निराकार में देह इंद्रिय मन बुद्धि कुछ है नहीं। उपदेश वाणी से ही बनता है। जब वाणी नहीं होगी तो उपदेश कैसे बनेगा। इसलिए वेद का उपदेश देने के लिए भगवान ने सगुण साकार रूप धारण किया, चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण किया। तब ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश दिया। त्रिकांड में वेद का उपदेश सुन करके ब्रह्मा का जो ब्रह्म संबंधी अज्ञान था वो चला गया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होते ही ब्रह्मा जी शोक मोह से मुक्त हो गए, सुखी और शांत हो गए। वही भगवान विष्णु द्वापर युग में द्विभुज कृष्ण का रूप धारण करके अर्जुन को निमित्त बना करके और सभी वेदों का सार संक्षेप से अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को निमित्त बनाकर सभी जीव मात्र को उपदेश दे रहे हैं। तो ये गीता सभी वेदों का उपनिषदों का सार है। इसलिए व्यास जी ने गीता महात्म्य लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम्
धीरता दुग्धं गीतामृतं महत्। सभी उपनिषदें गमुए हैं और उपनिषदों का सार रूप दूध दोहन करने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं। उपनिषदों को गमुए बनाया और उपनिषदों का सार रूप जो दूध है, और ये उपनिषदों का सार रूप जो दूध है वो अमृत है, इसको जो पिएगा वो अमर हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं। और अर्जुन को बछड़ा बनाया, पार्थो बत्सा और सुधीर भोगता। तो जैसे जो गोपाल गौएं पालते हैं और दूध दूहते हैं, तो वो बछड़े को भी दूध देते हैं, बस सब दूध बछड़े को ही नहीं पिला देते। जो गोपाल है आप भी कुछ दूध उसमें से अपने लिए लेता है और कुछ अपने बाल बच्चों के लिए लेता है, उसी गऊ के दूध में से और बछड़े को भी देता है। और इतने पर भी जो गऊ नहीं पालते हैं, गोपाल नहीं है, उनको भी उचित मूल्य लेकर के उनको भी दूध देता है, पास पड़ोसियों को, गांव नगर को, उनको भी दूध देता है, उचित मूल्य उनसे ले लेता है, तो सबका काम चल जाता है। इसी प्रकार से ये जो उपनिषद रूप गऊ का दूध है अमृत के समान, ये तो कुछ बछड़े को पिलाया और फिर दूसरे लोगों को दिया उचित मूल्य लेकर के। सुधीर भोक्ता, इस दूध को भोग करने वाले, पीने वाले शुद्ध बुद्धि लोग, जिनकी बुद्धियां शुद्ध हैं, वे लोग भी इस दूध को पी सकेंगे। इस दूध का मूल्य क्या है? कह शुद्ध बुद्धि विवेक वैराग खड़ संपत्ति मुमुक्षुता अथवा दैवी संपत्ति अभयम सत्तु संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जव अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैसुनम दयाभूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हि अचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। 16वें अध्याय में भगवान ने ये पहले ही कि दैवी संपत्ति गिनाई। तो ये दैवी संपत्ति ये क्या है? इस गीता रूपी दूध का मूल्य है, क्योंकि और संपत्ति इस दूध के मूल नहीं हो सकती। ये संपत्ति रूपी शुद्ध बुद्धि से सुधीर भोक्ता, शुद्ध बुद्धि वाले लोग, निर्मल बुद्धि निश्चल बुद्धि वाले लोग इसका पी सकते हैं। सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। ये गीता रूपी ज्ञान, गीता ज्ञान रूपी दूध कैसा है? कहते हैं
अमृतम महत, ये महान अमृत है, इसको पीने से अमर हो ही जाएगा। इसको महत क्यों कहा? महत शब्द का महान बनता है, माने सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अमृत। तो इससे ये जाना जाता है कि कोई छोटे अमृत भी होंगे, तब तो इसको बड़ा अमृत बताया गया। तो शास्त्रों में छोटे छोटे अमृत भी गिनाए गए, कहीं अमृत का निर्णय करने के लिए एक ऋषियों की, देवताओं की, सबकी सभा लगी, अमृत का निर्णय किया जाए अमृत कहाँ है। क्योंकि अमृत पीना सभी कोई चाहते हैं, कोई मरना तो चाहते नहीं, तो सब जानते हैं अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाए, अमर होना सभी चाहते। तो अब्धौ विधौ पदमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति नो भग, स्वर्गे सुधा वसति नो विबुधा वदन्ति, क्षारात् क्षयात् पतिमृतात् करलात् पतित्वात् कंठे सुधा वसति सा भगवज्जनानाम। सभा में उपस्थित किन्हीं लोगों ने ये कहा कि सुधा अब्धौ माने समुद्र में अमृत है, क्योंकि शास्त्र में समुद्र मंथन लिखा है और समुद्र मंथन से अमृत भी निकला, और उस अमृत के लिए देवता दैत्यों में लड़ाई भी भई, और विष्णु भगवान ने उस अमृत को देवताओं को पिलाया। ऐसा लिखा है, इसलिए समुद्र में अमृत है। पुराण के पढ़ने वालों ने ऐसा कहा, तो पुराण प्रमाण है। अब धौ विधौ, किसी ने बताया कि अमृत चंद्रमा में है, अब्धौ विधौ बधमुखे, किसी ने बताया चंद्रमुखी पत्नी में, स्त्री में अमृत है। बधमुखे फणिनाम निवासे, किसी ने कहा अमृत नाग लोक में है, नागों का राजा वासुकी है, उस राजा वासुकी की सुरक्षा में नाग लोक में अमृत है, ऐसा बताया। फणिनाम निवासी स्वर्गे सुधा वसति नो विबुधा वदन्ति, विबुध नाम देवताओं का है, तो देवताओं ने कहा हमारे स्वर्ग लोक में अमृत है, हम अमृत का पान करते हैं नित्य। तो सब लोगों ने ये अमृत बताए। विचार ये करना है कि यह वास्तविक अमृत है जिसके पीने से फिर न मरे, क्या अमृत का गुण इनमें घटता है? सही सही, क्यों? अमृत का मुख्य गुण तो यही है कि जो मृत्यु कभी न हो। तो कोई भगवान का भक्त बैठा था, उस भगवान के भक्त ने कहा तुम लोगों ने जो अमृत बताया है वो बहुत छोटे हैं,
बड़े नहीं हैं, इसलिए महान मृत्यु को मिटा नहीं सकते। महान अमृत होगा, बड़ा अमृत होगा, वो मृत्यु को, काल को हटा सकता है, क्योंकि मृत्यु महान है, काल महान है। जो जन्मा है उसका नाश काल करता ही है, छोड़ नहीं सकता है। तो तुम्हारे छोटे छोटे अमृतों में काल से लड़ाई करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है, काल को नहीं जीत सकते। इसीलिए क्षारात क्षयात पतिमृतात करलात पतित्वात, ये युक्ति दे करके इनके अमृतों का खंडन किया। बहुत तुच्छ अमृत है तुम्हारे, कहा जिसने समुद्र में अमृत को बताया उसका खंडन किया है। जो समुद्र में अमृत होता तो खारा न होता, समुद्र तो खारा है, मीठा नहीं है। अमृत तो बहुत मधुर है, मीठा है, तो समुद्र को मीठा होना चाहिए था, परंतु खारा देखने में आता है। और दूसरी बात ये कि यदि समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का जल पीने से जो कोई पीता वही अमर हो जाता, परंतु समुद्र का जल पीने से तो मृत्यु आती, क्योंकि उसमें क्षार है, नमक है। जो कोई ये जल पिएगा समुद्र का, उसकी भीतर जाके आंतें कट जाएगी, खून का बमन होने लगेगा और वो मर जाएगा। इसलिए समुद्र में अमृत नहीं है, तो है तो छोटा है, ये मृत्यु की निवृत्ति नहीं करता है। जो चंद्रमा में अमृत बताता है उसका खंडन कर रहे हैं। छयात, यदि चंद्रमा में अमृत होता तो सदा पूर्ण रहता, उसका नाश नहीं होना चाहिए, परंतु प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि इसका क्षय होता है। धीरे 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 पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र होता है और दूसरे दिन से उसका क्षय होने लगता है। क्षय होते 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 द्वितीय का चंद्रमा बहुत छोटा रह जाता है और अमावस को चंद्रमा का दर्शन भी नहीं होता, अमावस और परिवा को दिखाई भी नहीं पड़ता। तो घटे बढ़े क्यों होवे नाश, बढ़ता है फिर घटता है, और अमावस चंद्रमा को इसका नाश हो जाता है। अमावस परिवा, यदि अमृत होता चंद्रमा में तो ये अमर होना चाहिए। फिर वेदों में सूर्य चंद्र सबकी उत्पत्ति और नाश भी लिखी, ये नियम है, जिसकी उत्पत्ति होगी उसका नाश अवश्यंभावी है। यातस ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु ध्रुव नाम अटल का है, टल नहीं सकती। हाँ, जिसका जन्म नहीं हुआ है उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। जन्म हो और मृत्यु न हो ऐसा असंभव। जिसने अपनी पत्नी के चंद्रमुख में अमृत बताया उसका खंडन करते कि भी तुम पति लो तो पत्नी के चंद्रमुख का नित्य ही पान करते हो तो मरते क्यों होगे, तुमको तो अमर हो ही जाना चाहिए, न
न पत्नी को मरना चाहिए न पति को मरना चाहिए, परंतु दोनों मरते हुए नजर आते, ये तुम्हारा विलास मात्र है, मोह मात्र है, भ्रम मात्र है तुम्हारा। सारा क्षया अतिव्रता करला, जिन्होंने नागलोक में अमृत बताया, नागलोक में अमृत का कुंड है ऐसा बताया, उसका खंडन करते हैं। कहा नागलोक में जो अमृत का कुंड होता तो जितने भी सर्प हैं, नाग हैं, उनको अमर होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो कुंड है अमृत का, पीते पिए और अमर हो जाएं। परंतु सर्प भी उत्पत्ति और नाशवान मृत्यु को प्राप्त होते हैं ऐसा देखने में आता है, कोई भी सर्प अमर देखने में नहीं आता है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि सर्पों के मुख में भी अमृत होना चाहिए, और सर्प जिसको काटे वो भी अमर हो जाना चाहिए, क्योंकि काटेंगे तो उसके दांत जहाँ गड़ेंगे तो भीतर से अमृत डाल देंगे उसमें, काटने कटी हुई जगह, तो जिसको काटेंगे वो भी अमर हो जाएगा, परंतु ऐसा देखने में नहीं आता है। सर्पों के मुख में जहर देखने में आता है, विष देखने में आता है, और जिसको काटते हैं वो भी मर जाता है, क्योंकि विष तो मृत्यु देने वाला है। तो सर्प भी मरते हैं और जिसको काटते हैं वो भी मर जाते हैं, इसलिए ये भी झूठी बात रही, यदि होगा तो छोटा सा अमृत होगा, उनका माना हुआ, जिनको वो मानते हैं कि ये अमृत गरलात पतित्वात। फिर देवताओं ने कहा हमारे स्वर्गलोक में अमृत स्वर्गे सुधा बसत, कहा ये भी बात झूठी मालूम पड़ती, क्योंकि यदि स्वर्गलोक में अमृत होता तो स्वर्ग लोक से देवताओं का पतन नहीं होना चाहिए और मृत्यु नहीं होनी चाहिए, परंतु देवता का पतन भी शास्त्रों में सुनने में आता है और मृत्यु भी देखने में आती है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यु लोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण होने पर वो स्वर्ग से पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है, और मरे बिना जन्म होगा नहीं, इसलिए निश्चय मरते इस मनुष्य लोक में आते, तो पतन भी और मृत्यु भी दोनों ही, इसलिए वो देवताओं का जो अमृत है कोई विशेष सोम नामक पदार्थ है जिसको पीते हैं आनंद पाते हैं, जाने यही अमृत। सब अमृत खंडन कर दिया, झूठे बता दिया, तुच्छ बता दिया। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तब राम विलाप कर रहे थे लक्ष्मण के लिए, तब हनुमान जी ने कहा राम से कि हे राम आप विलाप न करो, आपका सेवक सब प्रकार से समर्थ है, तुम्हारा भाई लक्ष्मण मरने नहीं पाएगा। पाताल तह किम सुधार असुमानयामी, कहो पाताल में जाऊं और बासुकी नाग से, नाग के यहाँ से
सुधा माने अमृत का कुंड उठा के ले आओ और लक्ष्मण को पिला दो। सो लक्ष्मण उठ बैठेंगे, अमर हो जाएंगे, नहीं मरेंगे। निष्पीड चंद्रमा किम उतारा, अथवा चंद्रमा को पकड़ के ले आऊं और निचोड़ करके अमृत लक्ष्मण के मुख में डाल दूं तो लक्ष्मण जीवित हो जाए। की नास पास मनिषम किम चूर्णयामी, और कहो तो जो लक्ष्मण राम कुछ बोलते नहीं है, हनुमान ये सब बताते जा रहे हैं। अथवा इन अमृतों में आपको विश्वास नहीं है तो मैं ऐसा करूं कि जो यमराज है ना, यमराज को मार करके चूर चूर माटी में मिला दूं। पटकों नीच इस नीच की नाश को माने काल को मृत्यु को मूसक के समान पटक करके मार डालूं, सबको ताप मिटाऊं। पटकों नीच नीच मूसक जीव सबको ताप मिटाऊं, जो हो तो अनुशासन पाऊं, आपकी आज्ञा हो तो मैं काल को मार डालूं नीच मूसक के समान। तो लक्ष्मण के बहाने सारे संसार का ताप दुख मिट जाएगा। काल नहीं रहेगा तो कोई मारेगा कैसे, काल ही तो मारता है ना। तो भी भगवान राम कुछ न बोले, फिर हनुमान जी ने कहा प्रचंड मारतंड को उदित होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि सूर्य के उदय होने से लक्ष्मण नहीं रहेंगे, मृत्यु का भय है। इसलिए सूर्य को मैं उदय ही नहीं होने दूंगा, खत्म बात, तो लक्ष्मण मरेंगे नहीं। क्योंकि ये प्रसिद्ध है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल काल में ही सूर्य को हनुमान जी ने भक्षण कर लिया था तो तीनों लोक में अंधेरा छा गया था। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। सब देवताओं ने आकर के विनते किया कि हे हनुमान जी, सूर्य को आप छोड़ दो, क्योंकि सारा संसार संकट में है, दुखी है। सूर्य के न रहने से घोर अज्ञान अंधकार रहता है और सबका काम बंद है। सब ऋषि महर्षियों की संध्या तर्पण आदि यज्ञ आदि सब काम बिल्कुल बंद है, सबको दुख है सूर्य के न हो उदय न होने से। तो एक सूर्य के निकल जाने से सारे संसार को दुख क्यों दे रहे हो प्रभु, इनको छोड़ दो सूर्य को तो सारे संसार का दुख मिटेगा। तब सबकी प्रार्थना सुन करके हनुमान जी ने सूर्य को छोड़ दिया था। ये तो बालकाल की बात है, अभी तो सयाने हो गए। तो हनुमान जी कहते हैं सूर्य को मैं उदय होने से रोक दूंगा, उदय नहीं हो। सब कोई जानता है सूर्य निकलना बंद हो जाएगा तो सबका काम संसार का काम बंद हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे सब लोग। तो भगवान राम सारे संसार को कष्ट में डालना नहीं चाहते हैं एक अपने भाई के पीछे। तो भगवान राम कुछ जवाब न दिए, फिर हनुमान जी पूछते हैं
कि आप प्रभु कहो तो मैं क्या करूं। तो विभीषण ने बताया, कहा प्रभु एक उपाय है। कहा क्या है? कहा लंका में एक सुखेर नाम का वैद्य रहता है और वो ये शक्ति की औषधि जानता है। वैद्य को बुलाओ और उससे औषधि लेकर के तुरंत ही लक्ष्मण को जीवित करो। तो विभीषण की सम्मति भगवान राम को भाई कहा, हाँ ये बात ठीक। हनुमान जी से कहा कि बस जो विभीषण कहते हैं वही करो, लंका से सुखेंद्र वैद्य को ले आओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो रावण का वैद्य है और राम रावण का युद्ध चल रहा है, शत्रुता का व्यवहार है। अब वो वैद्य जी आवेंगे कि नहीं आवेंगे यहाँ, क्योंकि रावण के राम शत्रु हैं, लक्ष्मण शत्रु हैं। रावण उनको आने देगा कि नहीं आने देगा, ये एक विचारणीय विषय हो गया। तो हनुमान जी ने कहा इसका विचार आप लोग कोई न करो, मैं तो ले आऊंगा सुखेन वैद्य को। हनुमान जी तुरंत आज्ञा मान के चले गए, लंका पहुंचे और लंका पहुंच करके सोचते हैं वो घर में सो रहा था, सोचते हैं वैद्य को जगाऊंगा तो यही कहेगा कि मैं तो भाई रावण का वैद्य हूँ, रावण के शत्रु के यहाँ मैं कैसे जा सकता हूँ। मना कर देगा तो क्या करेंगे? हनुमान जी ने सोचा इनको सोते रहने दो, सोते सोते इनको पहुंचाओ, घर समेत उठा लो। तो घर समेत उठा करके वैद्य जी को रामाधर में ले आए, राम की छावनी में ले आए। भगवान राम ने वैद्य को आया देख करके हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि हे वैद्य जी, वैद्य तो नारायण का स्वरूप होता है, वैद्यो नारायणो हरि। वैद्य को नारायण का स्वरूप जानते हैं और हरि भी कहते हैं, क्यों? ये रोगी के दुख को, रोग को हरण करता है वैद्य, इसलिए नारायण का स्वरूप। तो वैद्य जी ने कहा मैं रावण का वैद्य हूं और रावण आपका शत्रु है और रावण के शत्रु आप हैं, तो मुझ पर आपका विश्वास है कि मैं तुम्हारे भाई को उचित औषधि करूंगा कि अनुचित कोई और मारने वाली दवा दे दूंगा? ये विश्वास है आपको? तो राम ने कहा वैद्य तो नारायण का स्वरूप होता है, उसका कोई शत्रु या मित्र होता ही नहीं है। नारायण का कौन शत्रु कौन मित्र? आज भी आप लोग देखते हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वैद्य डॉक्टर हो, उसके यहाँ सभी लोग जाते हैं, सबकी दवा निष्पक्ष होकर के वो करता है, पक्षपात नहीं करता।
और फिर यदि वैद्य डॉक्टर पर विश्वास ना हो तो फिर अब रास्ता ही क्या रह गया, रोगी मर रहा है। विश्वास तो करना अनिवार्य ही हो गया, चाहे जो कुछ भी करे। डॉक्टर के भरोसे रोगी को डाल दिया गया, चाहे जिलावे चाहे मारे, दूसरा उपाय नहीं है। राम ने इस प्रकार से कहा कि वैद्य का कोई न शत्रु है न ही कोई मित्र है, नारायण का स्वरूप। तो वैद्य ने राम को प्रणाम किया, कहा हे राम, तुमने मेरी आंखें खोल दिया, मुझमें बड़ी अज्ञानता थी, मैं अपने राजा का ही कहना मानता था, परंतु आपने मेरी आंखें खोल दिया यथार्थ ज्ञान दे करके। तब वैद्य ने अपने घर में देखा औषधि, तो औषधि नहीं थी। कहा ये औषधि मेरे घर में इस समय नहीं है, ये द्रोणागिरी पर्वत में है, कोई जावे और रात रात में आ जावे लेकर के। तो लक्ष्मण जी अवश्य जीवित हो सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। तो हनुमान जी ने कहा मैं ले आऊंगा। तो हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत में जाकर के और उसकी पहचान पूछी थी, वैजी ने बताया था वो उसमें दीपक जैसी चमक होती है, वो चमचमाती है औषधि। तो हनुमान जी गए वहां, देखे कि सभी जितने वृक्ष हैं वो सब दीपक के समान चमचमा रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा मैं कौन सी औषधि ले जाऊं, कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। हनुमान जी पहचान नहीं सके कि यही संजीवनी बूटी है। सोचा पर्वत को उठा के ले चलता हूँ, जो होगी संजीवनी बूटी अपना भाई जी पहचान ले। इसलिए पर्वत उठा करके रामादल में ले आए, रात ही रात में आ गए। वैद्य ने उससे पहचान करके औषधि लिया संजीवनी बूटी, लक्ष्मण के मुख में डाली, दो चम्मच डाली और लक्ष्मण उठ बैठे, आंखें खोल दिया जैसे सो करके जागे। तो सज्जनों अमृत की बात बता रहे थे, भगवान के भक्त ने सभी अमृतों का निषेध कर दिया, और ये गीता रूपी जो अमृत है यही महान माने बड़ा है, माने अमृत का गुण इसमें है। दुग्धं गीता अमृतम महात, कंठे सुधा बसति सा भगवत जनानाम। जो भगवान के भक्त हैं उनके कंठ में सुधा है, क्योंकि वो भगवान की कथा कहते हैं और भगवान की कथा कहने से भगवान का ज्ञान होता है। तो ये जो ज्ञान है भगवान का, ये ज्ञान ही अमृत है। ये तो गीता ज्ञान है ना, तो ज्ञान रूपी अमृत ही सच्चा अमृत है। ज्ञान होने पर तुरंत वो अमर होता है, अपने अमर स्वरूप को जान लेता है कि मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। ऐसा ये गीता शास्त्र है, वेदों का सार रूप ज्ञान, ज्ञान ही अमृत है, ये सिद्ध किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।